तो औपचारिक रूप से शपथ ग्रहण की है जगदीप धनखड़ ने, और इन हस्ताक्षर के साथ ही आप जिनसे मुखातिब हो रहे हैं वो देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार जताया, उनको धन्यवाद किया। ये तस्वीरें इस वक्त देश के सबसे बड़े संवैधानिक पदों में से एक, देश का दूसरा सबसे शक्तिशाली पद, उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए हैं, राज्यसभा के चेयरमैन के पद पर आसीन हुए हैं जगदीप धनखड़। तो औपचारिक रूप से यह कार्यक्रम शपथ ग्रहण समारोह अब समाप्त हुआ है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां से प्रस्थान कर रही हैं, तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और इसी के साथ बधाइयों का सिलसिला एक बार फिर से चल रहा है। राष्ट्रपति भवन से यह तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां से प्रस्थान कर रहे हैं, यहां से आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ साथ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनकी तस्वीर भी आप देखिए। तो जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं, इस वक्त की बड़ी खबर यही है। राष्ट्रपति ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई है। जगदीप धनखड़ अब एम वेंकैया नायडू की जगह आपको राज्यसभा की कार्यवाही आगे बढ़ाते हुए भी नजर आएंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी राज्यसभा को चलाना होता है, और उसके चेयरमैन के तौर पर, उसके सभापति के रूप में बड़ी जिम्मेदारी होती है। और अब जितने भी यहां पर गणमान्य अतिथि हैं वो बधाई दे रहे हैं जगदीप धनखड़ को, और शपथ ग्रहण जो समारोह है जिस दरमियान उन्होंने शपथ ली है वो शपथ आपको सुनाते हैं। मैं जगदीप धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो एक तरफ तो जगदीप धनखड़ ने शपथ ली है उपराष्ट्रपति पद की, अब दूसरी तरफ जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उनके पैतृक गांव की तस्वीरें हैं, और वहां पर जो परिवार वाले हैं वो इस ऐतिहासिक लम्हे के गवाह बन रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपको, और ये देखिए गांव के घर के बाहर लोग जश्न मना रहे हैं। जब जगदीप धनखड़ का नाम सामने आया तो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सामने आए, उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ किसान के बेटे हैं, और ये देखिए आपको लिबास में भी नजर आ जाएगा। गांव में जो सामान्य परिधान होते हैं उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जश्न मनाने वाले कौन लोग हैं।
तो सामान्य किसान परिवेश से आने वाले लोग, गांव के लोग, उनके गांव के लोग, उपराष्ट्रपति के गांव में, जगदीप धनखड़ के गांव में ये जश्न इस वक्त मनाया जा रहा है। और एक तस्वीर अब से कुछ ही मिनट पहले राष्ट्रपति भवन में, जब जगदीप धनखड़ ने इस देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और स्वाभाविक तौर पर गांव का बच्चा अगर जिले में टॉप कर जाए तो गांव के लोगों को बहुत खुशी होती है। और ये हो सकता है कि शहर के कल्चर के लोग ना समझते हो, लेकिन गांव में ये रीति रिवाज बहुत पुराने हैं कि अगर गांव के बच्चे ने कोई सरकारी नौकरी पाली, कहीं टॉप कर गया, तो पूरा गांव जश्न मनाता है, ढोल बजाता है। और आज तो इस गांव का बच्चा देश का उपराष्ट्रपति बना है, तो उपराष्ट्रपति के गांव में जश्न है। और उस जश्न की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। जगदीप धनखड़ और इस वक्त हमारे साथ आदित्य प्रताप सिंह जुड़ रहे हैं, जगदीप धनखड़ के उसी गांव से जिसकी कुछ तस्वीरें अभी आपने देखी। आदित्य प्रताप, जरा बताइए किस तरह आप उस जश्न को देख पा रहे हैं, किस तरह आप खुशी को महसूस कर पा रहे हैं जो उन गांव के लोगों की है, जो सामान्य स्थिति में भी, जैसे मैंने कहा कि एक छोटी सी कोई बात हो, कोई गाँव का बच्चा किसी भी परीक्षा में टॉप कर जाए, किसी सरकारी नौकरी में लग जाए, तो जश्न डूब कर करते हैं। और आज तो बहुत बड़ा मौका है। जी राम, बिल्कुल, जो ये जश्न की तस्वीरें थी ये अभी से 15 मिनट पहले की, 20 मिनट पहले की तस्वीरें थी। इस समय जी परिवार के साथ जो उपराष्ट्रपति का परिवार है वो शपथ ग्रहण यहाँ पर देख रहा था। परिवार के कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनके भतीजे हैं, कोई उनके भाई हैं यहाँ पे, जो सब लोग यहाँ पर बैठ कर शपथ ग्रहण देख रहे थे। और जब ये शपथ ग्रहण चल रहा था तो सभी ने ताली के साथ अभिवादन किया। बात करने का प्रयास करेंगे, हमारे साथ उनके भतीजे हैं। कैसा एक अनुभव, एक गर्व की महसूस ही, एक परिवार के से कोई उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचता है। जी, महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने आज जो शपथ ग्रहण की है, इससे संपूर्ण राजस्थान जिला झुंझुनू और ग्रामवासी किठाना बहुत प्रसन्नचित हैं। और हम इनके लिए NDA और उनके सहयोगी दलों का बहुत आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने किसान पुत्र को उपराष्ट्रपति का पद देकर किसानों के लिए मान मर्यादा का यानी सम्मान किया है, किसानों का बहुत मान सम्मान किया है। उनके लिए हम बहुत बहुत आभार हैं और बहुत दिल से खुशी है हमें कि किसानों के लिए आगे भी मोदी सरकार इसी प्रकार काम करती रहेगी। ये 5-6 हज़ार संख्या का एक किठाना गांव जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, पूरे किठाना के लिए।